अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनने वाली डिश है ये, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मटन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स ऑफ मटन बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया था मैंने। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले मैंने ऐड किए थे। इसमें 3-4 मैंने काली मिर्च ऐड किया था, 2-3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का पीस, ये मैंने ऐड करके इसको बॉईल कर लिया है। फिर यहाँ पर 750 ग्राम्स ऑफ ये राइस लिया है मैंने, इसको मैंने भिगा कर रख दिया है। 1.5 घंटे से मैंने इसको भिगा कर रख दिया है। अब इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ये 1 लार्ज अनियन है स्लाइस्ड, 8 to 10 ग्रीन चिलीज़, आप चिलीज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1/2 कप ऑफ कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड, 1/2 कप ऑफ मिंट लीव्स चॉप्ड, 1 स्मॉल टमेटो चॉप्ड। फिर यहाँ पर है मेरे पास ये 2 तेज़पत्ते हैं, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 4 छोटी इलायची है इसमें, ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं और इसमें 5-6 लौंग हैं और 8-10 काली मिर्च है। फिर ये है मेरे पास 1 स्मॉल अनियन मैंने फ्राई करके रख लिया है यहाँ पर, और ये 2 पोटैटोज़ है, ये इस तरह से छोटे पीसेस में काट कर हम रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बर्तन में मैंने ऑयल हीट कर लिया है, 3/4 कप ऑफ ऑयल लेंगे हम इसमें। इसी में मैंने अपनी अनियन फ्राई कर ली थी, अब इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले और ज़ीरा ऐड कर देंगे। जैसे ही ज़ीरा स्प्लटर करें हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अनियंस के साथ ही हम इसमें अपनी सारी ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे, कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स। देखिए सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही में हम ये अपने पोटैटोज ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पोटैटोज फ्राई नहीं किए, तो इसी के साथ में ये अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं और ये गल भी जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में जिंजर गार्लिक पेस्ट और कर्ड बताना भूल गई थी। ये 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड है। तो जैसे हमारे अनियंस गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमेटो के साथ ये सारा मसाला भी हम 2 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन, सारा मटन हमें इसमें ऐड कर लेना है। अब मटन के साथ ही ये कर्ड भी ऐड कर देंगे इसमें हम, और कर्ड के साथ हम मटन को अच्छी तरीके से फिर भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला कितनी अच्छी तरह से भून गया है, सारा दही भी हमारा अच्छे से भून गया है मटन के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपना सारा राइस। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ये 3 ग्लासेस ऑफ राइस थे मेरे पास, तो मैं इसमें 4.5 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करूँगी इंक्लूडिंग मटन स्टॉक। ये मटन स्टॉक मेरे पास 1 ग्लास है, अब मैं 3.5 ग्लासेस ऑफ वाटर ऐड करूँगी इसमें। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। तो देखिए जैसे ही हल्का सा इसमें बॉईल आने लग जाए हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से एक मिक्स देंगे। अब हम इसका लिड कवर करके रख देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जब तक इसका वाटर ड्राई नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं 90% तक इसका वाटर ड्राई हो चुका है। अब हम 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको स्लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्लेम ऑफ करने के 15 मिनट्स बाद हम इसको अनकवर करेंगे और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा पुलाव बनकर हमारा रेडी है।